अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ पे भी होंगे खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार था, तो सोचा क्यों ना आपको अपने शहर हैनोवर की जो है वो सैर कराई जाए। अभी हम आपको लेके जा रहे हैं हैनोवर टाउन हॉल की तरफ। ये 18th century में बनाई गई थी बिल्डिंग, और इसके अंदर जो है वो गवर्नमेंट ऑफिसेस हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद जो है इसको एज अ म्यूज़ियम बना दिया गया और उसके इर्द गिर्द पार्क बना दिया गया। और इंशाल्लाह मैं जल्द ही इसके अंदर का आप लोगों को विज़िट करवाऊंगी। मुझे ये बिल्डिंग बहुत अच्छी लगी थी, तो सोचा आप लोग को भी दिखाती चलूँ। तो अब हम जो हैं वो लेक की तरफ जा रहे हैं। इसके सामने ही जो है वो काफ़ी बड़ा म्यूज़ियम भी है। तो हम लेक पहुंच चुके हैं। ये लेक जो है बहुत अच्छी है, और आप मैं बताती चलूँ कि ये लेक आर्टिफिशियल लेक है। 1936 में ये लेक बनाई गई थी। इस लेक को बनाने के लिए जो है वो तीन रीज़न थे। पहला रीज़न ये था कि यहाँ पर जो है वो रिवर बहा करता था, और जब माउंटेन से जो है वो स्नो मेल्ट होती थी तो फ्लडिंग हो जाया करती थी, तो उसको रोकने के लिए बनाई गई थी। दूसरा के शहर के अंदर ही शहरियों के लिए वाटर स्पोर्ट खेलने की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की गई। तीसरा के काफ़ी सारे बेरोज़गारों को रोज़गार मिल सके। तो हम आगे जाते ही जा रहे थे और हमने देखा कि यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल्स भी लगे हुए थे खाने पीने के। मुझे आइसक्रीम खानी थी, तो हम लोग ने जो है वो आइसक्रीम के स्टॉल पर रुके। जब हम आइसक्रीम के स्टॉल पर रुके, यहाँ तो काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, तो हम भी लाइन में लग गए। हेलो, हमने अपनी आइसक्रीम ले ली थी और हम लोग साथ में चलते जा रहे थे और अपनी आइसक्रीम को इंजॉय कर रहे थे। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये लेक इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि यहाँ पे साइकिलिस्ट और जो है वो वॉकिंग ट्रैक बनाए गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे वीडियो में। ये लेक वाकई बहुत खूबसूरत लेक है, और अभी जब स्प्रिंग हो जाएगा तो स्प्रिंग की वजह से तो और ही ज़्यादा खूबसूरत लगने लगती है लेक। यहाँ पे हम लोग आगे जा रहे थे तो हमें यहाँ पे म्यूजिशियन दिखे। यहाँ पर जो है वो या तो करतब दिखा के, या फिर जो है वो अपना कोई सॉन्ग वॉन्ग सुना के, या फिर म्यूज़िक बजा के जो है वो लोग पैसे जो है वो मांगते नहीं हैं। यहाँ पे जो होता है कि आपकी मर्ज़ी होती है, अगर आपको अच्छा लग रहा है उनका करतब या उनका म्यूज़िक या उनका गाना, तो आप जो है वो उनको पैसे दे सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे व्लॉग को एंजॉय किया होगा, और मुझे ज़रूर जो है वो कमेंट सेक्शन में जाके बताएगा कि मेरा व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को। और जो है मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नए व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।